नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, और वो जानकारियां दी जाती हैं जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो, और कम से कम समय में हम उसको कैसे कवर कर पाएँ उस GS के टॉपिक को। तो चलिए, मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है, मतलब कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। ध्यान से सुनिएगा, और इससे पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं सीधा सीधा आपसे बता दूं, जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जो भी चौधरी कोचिंग सेंटर के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन सेंटर के, मेरा उनसे भी आग्रह है, और जो भी GSV कोचिंग के स्टूडेंट हैं जहां पर मैं वहां भी क्लास देता हूं, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन भले ही है, लेकिन इस क्वेश्चन से कम 5 से 7 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, और वो ऐसे प्रश्न बनते हैं शायद आप पहली बार सुने उन प्रश्नों को, क्योंकि एग्जाम में किसी वजह से पूछे जाएंगे तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी यदि हमें ये वो क्वेश्चन नहीं मालूम है। दूसरा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, UPPCS में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार टेट की परीक्षा में यहाँ क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CRPF की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और CDS की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। देखो, इसका सीधा सा जो और बिल्कुल आसान सा सरल सा जवाब है वो आपको याद रखना है, दलहनी फसलें। जितनी भी दालों वाली फसलें होती हैं जो हमें दाल उपलब्ध कराती हैं, दलहनी फसलें जो है मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा, दलहनी फसलें। लेकिन बात यहीं से कम नहीं बनेगा, मेरा इस टॉपिक को समझाने का मकसद यह है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम फिर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है इसका पूरा। देखिए, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है, दलहनी फसलें। लेकिन ध्यान रखना है ऐसा होता क्यों है। देखिए, सीधा से याद रखना है, दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ें, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं वो नीचे से गांठ, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं। ध्यान रखना है, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं। दूसरा, वहीं से एक तथ्य याद रखना है कि उन्हीं गांठों में एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि उसी गांठों में एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। ध्यान रखना है, अब वो जो जीवाणु पाया जाता है उस जीवाणु का काम क्या है, तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पहले PCS में भी पूछा जा चुका है और अन्य परीक्षा में पूछा गया है, पहले भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया है। आपने सुना होगा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, ये क्वेश्चन ये भी है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो देखो, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आपने पहले भी देखा होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, उससे पहले भी कई बार पूछा गया, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। देखो, पौधे नाइट्रोजन को जो लेते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट। ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में, करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी, लगभग ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर देंगे एग्जाम में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पौधे किस जीवाणु के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, पौधे किस जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, क्योंकि पौधे कभी भी नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते। ध्यान रखना है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन याद रखना है कि किस जीवाणु के द्वारा लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से याद रख के चलना है कि एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, राइजोबियम, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो आपकी दलहनी फसलों की गांठों में पाया जाता है। राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है
राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है ये ही क्या काम करता है, ये ही नाइट्रोजन को, ये मिट्टी से नाइट्रोजन लेता है, ये मिट्टी से नाइट्रोजन लेता है, और मिट्टी से नाइट्रोजन लेने के बाद, मिट्टी से N2 लेने के बाद, नाइट्रोजन लेने के बाद, और उसको नाइट्रोजन को NO3 के रूप में पौधे को देता है, नाइट्रेट के रूप में पौधे को दे देता है। ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। एक आसान भाषा में मैं जो बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान रखना है पौधे नाइट्रोजन को कभी भी सीधे नहीं लेते, पहली बात तो याद रखनी है, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो दलहनी फसलें हैं उनकी जो जड़ें हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं, उसमें राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम ये जो जीवाणु है ये क्या काम करता है कि जो नाइट्रोजन है, जो मिट्टी से नाइट्रोजन लिया उन्होंने, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है, नाइट्रेट के रूप में बदल कर वो पौधे में चली जाती है। इसी कारण क्या है, हम इस प्रश्न को कह सकते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस है क्या। हालांकि ये पूरा प्रोसेस है आपका नाइट्रोजन चक्र का, आपने सुना होगा नाइट्रोजन चक्र, है ना, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मैं कभी भी फिर आगे इसे बता दूंगा। लेकिन फिर भी याद रखना है नाइट्रोजन चक्र का ही एक एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। और अब आपको कहोगे नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, देखिए एक मोटा मोटा बता देता हूँ नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। अगर मान के चलिए मिट्टी में नाइट्रोजन है और मिट्टी में नाइट्रोजन, मिट्टी के रास्ते नाइट्रेट के रूप में पौधे ने नाइट्रोजन ले ली, भाई उन्होंने नाइट्रेट के रूप में ली, किसने ली भाई, उन्हें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने, तो उन्होंने नाइट्रेट के रूप में वो ले ली नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पौधे को जंतु खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पौधे को जंतु खा लेते हैं, तो जंतुओं में नाइट्रेट पहुंच गया पौधे के माध्यम से, ठीक है। बाद में क्या होता है, जंतु किसी वजह से मर जाते हैं तो उनके अपक्षय के कारण, उनके जैविक अपघटन के कारण, ध्यान दीजिएगा उनके जैविक अपघटन के कारण जंतुओं के, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है, ध्यान रखना है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास ये वो क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से विद्यार्थियों की हालत खराब कर देंगे, तो इसलिए बेहतर है कि इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लें। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो एक दो बार देख ली तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। लगभग 8 से 10 प्रश्न यहाँ से जो है एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो उससे कम से कम हमें निजात मिल जाएगी। तो स्यूडोमोनास नाम का जो ये बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, स्यूडोमोनास नाम का ये भी एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है, ध्यान रखना है, स्यूडोमोनास नाम का ये एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि नाइट्रोजन को पौधे सीधे नहीं लेते, एक नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन उस नाइट्रेट को बदलता कौन है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है, तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रेट के रूप में फिर पौधे ले लेते हैं। पौधे को जंतुओं के, जंतुओं में बात आती है कि जंतुओं में नाइट्रोजन कैसे पहुंची, जंतु जब पौधे को खा लेते हैं तो जंतु के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाती है, नाइट्रेट वहां भी नाइट्रेट के रूप में पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद किसी वजह से पौधे या फिर जंतु जब मर जाते हैं, जब उनका जैविक अपघटन होता है, ध्यान दीजिएगा जब उनका जैविक अपघटन होता है, तो उस स्थिति में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया। इसका काम क्या है, उनके जैविक अपघटन के दौरान, जैविक अपघटन के दौरान उस नाइट्रेट को, जो उनके पास नाइट्रेट थी, उस नाइट्रेट को वो वापस किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन से चली थी बात और नाइट्रोजन पर ही पहुंच गई बात, ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन से ही चली थी और नाइट्रोजन पर ही वापस बात पहुंच गई, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, यही होता है हमारा नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, या कह सकते हैं इंग्लिश अंग्रेजी में नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो कम से कम क्वेश्चन कई प्रकार के यहां से बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार छोटा सा रिकैप करता हूं, ध्यान दीजिएगा, कौन सी फसलें मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती हैं, दलहनी फसलें, ध्यान रखना है क्यों बनाती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं उनमें गांठें पाई जाती है, उनमें बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का कार्य है कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को, जो मिट्टी में नाइट्रोजन है पौधे को नाइट्रेट के रूप में बदल के देता है, ठीक है। अब सारी प्रोसेस होने के बाद
एक सारी प्रोसेस होने के बाद जब पौधे या जंतु किसी वजह से मरते हैं और उनका जैविक अपघटन होता है, तो उस स्थिति में बैक्टीरिया होता है मिट्टी में, स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया वो जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतु हैं जिनका जैविक अपघटन हुआ है, वो उनके नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में बदल देता है। तो नाइट्रोजन से ही बात चली और नाइट्रोजन पर पहुंच गई, उसी को हम चक्र कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र का भी एक उदाहरण भी है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो ध्यान रखना है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर लगभग सभी दे देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो ध्यान रखना है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है, तो स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।